हेलो एवरीवन, वेलकम टू DICS। आज हम बात करेंगे संडे साइंस के बारे में। तो संडे का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेज है वो कुछ इस तरह दिख रहा है, आप देख लीजिए अच्छे से। न्यूट्रिनोज के बारे में न्यूज़ है, कुछ माइस के बारे में न्यूज़ है, फिर एक आध बर्ड के बारे में न्यूज़ है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में न्यूज़ है, अर्थक्वेक के बारे में है, एंड देन लास्टली कुछ हाइट के बारे में है। वो सब देखते हैं एक बार एक। जो सबसे पहली हमारी न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट न्यूट्रिनोज। नाउ द क्वेश्चन इज, आर न्यूट्रिनो देयर ओन पार्टिकल और वॉट? क्यों क्वेश्चन ऐसा आया? क्योंकि रिसर्च से हमें ऐसा पता चल रहा है कि जो न्यूट्रिनोज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो खुद के ही एंटी पार्टिकल की तरह हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट आर एंटी पार्टिकल्स? तो नेचर में जितने पार्टिकल है उतने सामने एंटी पार्टिकल्स भी है, राइट? और जब भी ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे के साथ कन्फ्लुएंस करते हैं या तो फिर ज्वाइन होते हैं या अटैच हो जाते हैं, सो दे सडनली दे डिसअपियर विद द फ्लैश ऑफ एनर्जी। एक फ्लैश ऑफ लाइट के साथ वो सडनली डिसअपियर कर देंगे, राइट? तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? वहाँ पे एक वैक्यूम की तरह बन जाएगा, राइट? अगर आपको एक बुक का नाम सुना है आपने, डैन ब्राउन ने लिखी हुई है, दैट इज़ लॉस्ट सिम्बॉल। वो लॉस्ट सिम्बॉल में ये पूरी थ्योरी थी कि वहाँ पे मैटर एंटी मैटर को वो मिक्स कर रहे हैं, पार्टिकल एंटी पार्टिकल का वो मिक्स कर रहे हैं, और वहाँ पे वो एक प्रकार का बॉम्ब बना रहे हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या न्यूट्रिनो खुद के पार्टिकल हैं? उसके पहले हमारे सामने ये भी क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिनो आखिर है क्या? तो न्यूट्रिनो जो है, दे आर द सेकेंड मोस्ट अबैंडन पार्टिकल इन द कॉस्मोस। नाउ इफ दे आर सेकेंड मोस्ट अबैंडन पार्टिकल, तो देन वॉट इज द फर्स्ट और मोस्ट अबैंडन पार्टिकल? तो वो होते हैं हमारे फोटोन्स। फोटोन्स कहाँ से जनरेट होते हैं? तो फोटोन्स जनरेट होते हैं लाइट के साथ। जो लाइट एमिट होती है तो वो फोटोन एमिट होता है। जैसे कि सनलाइट हमारे वहाँ आती है तो वो सन के फोटोन्स हमारे वहाँ आ रहे हैं। और ये न्यूट्रिनो कहाँ से जनरेट होता है? तो न्यूट्रिनो हर एक जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है हर एक से वो जनरेट होते हैं। जैसे कि बनाना ही ले लीजिए, तो बनाना के फॉस्फेट में से भी ये न्यूट्रिनो बाहर निकल सकते हैं। तो जो जो रेडियो एक्टिव है सभी जगह से न्यूट्रिनोज बाहर निकल सकते हैं। नाउ अगर वो खुद के ही एंटी पार्टिकल रहे तो न्यूट्रिनो और दूसरा न्यूट्रिनो अगर वो कंबाइन हो जाएंगे तो वो फ्लैश ऑफ एनर्जी के साथ डिसअपियर हो जाएंगे। नाउ ऐसा चलता रहा तो हमें तो हमारे नेकेड आइज से वो पता नहीं चलेगा। तो उसकी वजह से ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का यहाँ पे रिसर्च चल रहा है। ये रिसर्च से हमें दूसरा क्या पता चला है कि दूसरे इस प्रकार के एंटी पार्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, उसका एंटी पार्टिकल है उसका नाम है पॉजिट्रॉन। दूसरे जो न्यूट्रिनो, अभी तक हम उसको एंटी न्यूट्रिनो बोल रहे थे, बट अब जब ये रिसर्च हमारे सामने आया है तो फिर हम न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो ही उसको कहेंगे। दूसरा ऐसा है कि न्यूट्रिनो का अभी हमें मास बिल्कुल पता नहीं है। मास है वो हमें पता है, बट कितना है दैट वी डू नॉट नो। सो उसका भी एक अलग प्रकार का रिसर्च चल रहा है। सो वी विल सी कि ये न्यूट्रिनो हमें किस तरीके से मदद करते हैं। नाउ न्यूट्रिनो को सबसे पहले ये स्टडी करने का जो हमारा मेन एम है, टू अंडरस्टैंड द कॉस्मोस। नाउ टू अंडरस्टैंड द कॉस्मोस मतलब जो हमारा पूरा जो गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ है, जो पूरे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हुआ है, वो किस तरह से हुआ, वहाँ पे पार्टिकल एंटी पार्टिकल, मैटर एंटी मैटर किस तरह से वर्क करता है, मैटर डार्क मैटर किस तरह से वर्क करता है, वो सारा स्टडी करने में ये जो न्यूट्रिनो है वो बहुत ही अच्छे से हमें हेल्प करेंगे। तो न्यूट्रिनो से हमें क्या क्या MCQ के लिए याद रखना है कि एक न्यूट्रिनो जो है, दे आर द सेकेंड मोस्ट अबैंडन्ड आफ्टर द फोटॉन्स। और अगर हम मास के बारे में बात करें तो मास होने वाले कोई एक एलिमेंट में न्यूट्रिनोज आर द मोस्ट अबैंडन्ड, क्योंकि फोटोन का मास नहीं रहता, राइट? और दूसरा, न्यूट्रिनो का क्या मास है, दैट वी एब्सोल्युटली डोंट नो। जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिक्स होते हैं तो क्या होता है, तो एनाइलेशन होता है, वो फ्लैश ऑफ एनर्जी के साथ डिसअपियर हो जाता है। तो ये कुछ फिजिक्स के बारे में हमें याद होना चाहिए, राइट? तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, इट इज़ रिगार्डिंग द स्टडी विच इज़ डन ऑन माइस। तो चूहे के ऊपर एक स्टडी की गई जहाँ पे पता चला कि जो चूहे हैं उनके अंदर एक फियर ऑफ कंडीशनिंग रहता है। क्या रहता है? फियर ऑफ कंडीशनिंग रहता है। वो फियर के हिसाब से वो क्या फील करते हैं, तो एम्पथी फील कर रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं? एम्पथी। अब एम्पथी हमारे GS4 में आता है, सभी को पता होगा कि एम्पथी है, फिर अपथी है, सिंपथी है, वैसे वैसे टर्म्स हमारे GS4 में आते हैं। तो अब जो चूहे है, चूहे के अंदर भी एम्पथी आई है, तो क्या वो कल को UPSC का एग्ज़ाम देगा? क्या पता, वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, क्या पता, उसी की तो पूरी स्टडी चल रही है यहाँ पे। बट वो पूरी स्टडी में एक चीज़ पाई गई है कि दे हैव सर्टन काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल फियर। नाउ इट इज़ अ काइंड ऑफ अ इमोशनल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ एम्पथी। अब वो जो उनका रिस्पॉन्स है उसको हमने एम्पथी नाम दी गई। तो क्या ह्यूमन में ऐसा ही होता है?
ह्यूमन में न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारा क्या चूहे के सिमिलर है, तो स्टडी विल टेल। तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कंक्लूसिव नहीं आया है कि चूहे और ह्यूमन के बीच में न्यूरोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ है या नहीं, बट स्टडी इज गोइंग ऑन। माइट ऐसा भी हो जाए कि कभी हमें ऐसा भी पता चले कि जो हमारा इवोल्यूशन एप से हुआ है वो बॉडी का हो और दिमाग से हुआ है वो चूहे का हो। यू नेवर नो भाई, ये तो साइंस है, कल को कुछ भी बता सकता है और हमें मानना भी पड़ेगा, राइट? तो वो अभी आगे स्टडी दिखाएगी, बट अभी फ़िलहाल ये चीज़ पता चली है कि फियर फील करने का, एम्पथी फील करने की वो कैपेसिटी एक चूहे के अंदर भी होती है ओइंग टू इट्स ओन न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म। ओके, घटिया करंट अफेयर, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। उसके बाद ये जो बाला सुब्रमण्यम जी है वो हर संडे एक कुछ बर्ड नया लेके आते हैं, वो बर्ड के ऊपर से ट्रिवियल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी ने लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा था कि सेलोन फ्रॉग माउथ वो क्या है, तो सेलोन फ्रॉग माउथ भी क्या था, तो ये एक बर्ड था। अब यहाँ पे आपको पूछ ले कि ये जो सन बर्ड है या फिर हमिंग बर्ड है उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले। ये हमिंग बर्ड के बारे में जो न्यूज़ उन्होंने रिपोर्ट करी है कि जो हमिंग बर्ड है दे हैव लॉन्ग लास्ट लेजेंड विद दी एस्टेक रूलर्स और एस्टेक पीपल। ये जो एस्टेक पीपल थे वो कहाँ पे थे, मैक्सिको में थे। तो एस्टेक पीपल का ऐसा कहना था कि द हमिंग बर्ड, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक और द एट्रीब्यूट्स ऑफ हमिंग बर्ड इज अ क्लोजली रिलेटेड टू अ गुड वॉरियर। जो एक अच्छे वॉरियर को बनना है वैसा हमिंग बर्ड में सारी कैरेक्टरिस्टिक है। तभी तो जाके उन्होंने हमिंग बर्ड को एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, वो जो उनके प्रिंसिपल गॉड है उसका एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया। उसका नाम क्या है, तो हुइट्ज़िल लोपोच्तली। क्या नाम है, हुइट्ज़िल लोपोच्तली। नाउ अब ये हमारे लिए ट्रिकी हो सकता है बोलने के लिए, मैक्सिकन नाम है तो फिर हमें याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर एमसीक्यू में कुछ ऐसा आ जाए कि हुइट्ज़िल लोपोच्तली किसके, कौन से बर्ड के रिलेटेड है, तो हमें याद रखना है हमिंग बर्ड। अब जो हमिंग बर्ड है उसका नाम हुइट्ज़िल, हुइट्ज़िलिन जो है वो सिग्निफिकेंट देता है कि रे ऑफ सन। उसका लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है, रे ऑफ सन। उसकी जो लेंथ है, लेंथ इज बेरली 5 सेंटीमीटर एंड द वेट इज बेरली 2 ग्राम। समझ लीजिए इतना लाइट वो बर्ड होता है, और इतना लाइट होने की वजह से ही पर सेकंड वो अपने विंग्स कितने टाइम वो फिरा सकता है, तो 50 टाइम वो अपने विंग से मूवमेंट करवा सकता है। और वो सडन मूवमेंट की वजह से यहाँ पे एक हम प्रकार का कोई एक नॉइस क्रिएट होता है, जैसे और उसी के ऊपर से उसका नाम पड़ा हमिंग बर्ड। नाउ दिस हमिंग बर्ड इज़ अ क्रिटिकल पॉलिनेटर इन द फॉरेस्ट। अब पॉलिनेटर क्या होते हैं, तो वो पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल जो फ्लावर्स होती है उसमें पॉलिनेशन ज़रूरी होता है फॉर द सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग ऑफ और फ्रूटिंग ऑफ। तो उसके लिए जो पॉलिनेटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बर्ड दूसरे काफ़ी बर्ड है, जैसे कि स्पैरो, वो भी एक प्रकार का पॉलिनेटर है। बीज विच इज़ वेरी वेरी फेमस पॉलिनेटर। बैट्स, स्पेशली फ्रूट बैट्स, वो भी अच्छे से पॉलिनेटर है। तो दीज आर वन ऑफ द क्रिटिकल स्पीसीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। अब ये हमिंग बर्ड का दूसरा एक ट्रिवियल उन्होंने फैक्ट दिया है कि इट कैन इवन मिमिक सम काइंड ऑफ वोकल मिमिक्री। अब वो वोकल मिमिक्री पैरट की तरह भी कर सकते हैं। तो इसके साथ क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज जो इंडिया में पाई जाती है उसका नाम है सनबर्ड। सनबर्ड इंडिया में पाए जाते हैं, और पर्पल रम्ड सनबर्ड आर दी एंडेमिक टू इंडिया। दे आर ऑल्सो इन अ सिमिलर काइंड ऑफ अ साइज ऑफ हमिंग बर्ड, वो भी ऐसा ही होता है। बट उसमें एक खास बात यह है कि उनका जो नेस्ट होता है वो हैंगिंग पाउच की तरह होता है। वो कैसा होता है, हैंगिंग पाउच की तरह होता है, और वही नेस्ट के अंदर वो लाइकन का भी यूज़ करता है, जो स्टिक्स होती है कॉबवेब्स उसका भी यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ दूसरे प्लांट मटेरियल का भी यूज़ कर लेंगे, जैसे कि लीफ हो गया या दूसरी कुछ चीज़ें हो गई, वो सारा मिला के एक हैंगिंग पाउच जैसा क्रिएट करते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड ये नेस्ट बनाती है। तो यहाँ पे देखिए ये फोटो दिया गया है पल्पर रम्ड सनबर्ड का, तो ये एक मेल बर्ड है, राइट? दूसरे ये जो कलरफुल दिख रहा है वो सारे फीमेल बर्ड है। ओके, तो उसके बाद अब दो छोटे न्यूज़ हमें पहले देखना है। उसमें ऐसा कहा गया है कि अर्थक्वेक की वजह से अर्थ का जो कोर है उसमें हमें दो अलग अलग प्रकार के लेयर की स्टडी पाई गई है। अब अर्थ का पूरा जो सेग्रीगेशन है वो इस तरह से है कि सबसे पहले नीचे आता है जो है वो कोर होता है। कोर एकदम सॉलिड होता है, जिसमें आउटर कोर होता है वो सेमी सॉलिड होता है। फिर उसके ऊपर आएगा मेंटल, और मेंटल के ऊपर आएगा क्रस्ट। अब इस तरह से उनका डिविजन है। और जो कोर के बारे में अगर बात करें तो कोर में हमें क्या मिलता है, तो कोर में मिलता है निकल एंड आयन ज़्यादा मिलता है। तो ये किसका बॉल है, नीफे का पूरा एक बॉल रहता है।
अब इसके अंदर दोनों लेयर में हमें अलग अलग प्रकार के आयन के मॉलिक्यूल्स मिले हैं या तो फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिला है, दोनों में कुछ कुछ वेरिएशन है। अब वेरिएशन हमें कैसे पता चला, तो जैसे ही अर्थक्वेक के वेव्स वहाँ से पास हुए तो दोनों का ऑसिलेशन कुछ अलग प्रकार से हुआ। तो ये जो ऑसिलेशन है वो मोलिक्यूल, जिस भी मोलिक्यूल से टकराते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसकी वजह से हमें क्या चीज़ पता चली कि दोनों में अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तभी तो दोनों के अलग अलग हमें बिहेवियर पता चले हैं। अब क्या एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है, दैट स्टिल वी डू नॉट नो। अब जितनी फर्दर स्टडी होगी उतना हमें पता चलता जाएगा, बट एक चीज़ श्योर है कि उसमें सिमिलर काइंड ऑफ आयन के क्रिस्टल्स नहीं है, बट थोड़े थोड़े डिफरेंट प्रकार के आयन के क्रिस्टल हैं। स्पेशली अभी फिलहाल जो हमें मिले हैं वो दो टाइप के आयन क्रिस्टल्स हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इट इज़ अबाउट स्पेस। स्पेस में जो अभी हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को वहाँ पे फ्लाई मतलब ऊपर डाला है, तो उसकी स्टडी से हमें पता चला है कि सर्टेन गैलेक्सीज हैव इवन बिल्ट आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स। जो हम बिलियंस ऑफ ईयर के बारे में बात कर रहे हैं गैलेक्सी का फॉर्मेशन, तो उसके सामने थोड़ी कुछ अर्ली गैलेक्सी फॉर्मेशन भी हमें मिला है जो 500 मिलियन ईयर पुराना ही है। अब वो 500 मिलियन ईयर आफ्टर द बिग बैंग, तो वो कुछ कुछ नई होगी। अब वो नई किस हिसाब से होगी वो देखना पड़ेगा। वहाँ से रेड आती है या फिर लाइट येलो आती है या तो फिर लाइट वायलेट आती है या ब्लू आती है, वो सारे लाइट के स्पेक्ट्रम से उनकी हमें एज मिलती है। जितना रेड होगा उतनी उसकी एज बूढ़ी, जितना वो ब्लू होगा उतनी उसकी एज ज़्यादा, सॉरी उसकी उतनी एज कम, क्योंकि ब्लू जो है वो एनर्जेटिक लाइट होती है और रेड जो है वो कम एनर्जेटिक होती है। तो जो यंग होगा उससे ही ब्लू लाइट मिलेगी हमें, और जो बूढ़ा होता जाएगा वो रेड में धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाएगा। तो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स और अर्लियर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, बट वी विल सी अब क्या क्या नई चीज़ आती रहती है। हबल ने बहुत ही अच्छी अच्छी डिस्कवरीज की है, और उसके बाद अभी हमने जेम्स वेब को ऊपर छोड़ा है, तो जेम्स वेब के ऊपर से भी कोई भी एक प्रकार का MCQ आ सकता है कि जेम्स वेब को नासा के अलावा किस कौन से और स्पेस एजेंसीज है जिन्होंने कोलोबरेट करके जेम्स वेब को छोड़ा ऊपर। फिर लास्ट में एक सबसे घटिया न्यूज़ अब तक की द हिंदू की, आई गेस सबसे घटिया जो न्यूज़ है वो ऐसा कहा गया कि मिलान जो इटली में आया हुआ सिटी है वहाँ पे लोगों की हाइट बढ़ी नहीं है 2000 साल से। वो उनको कैसा पता चला, तो उनका मूड आया था तो उन्होंने क्या कर दिया कि वो उन्होंने बरियल साइट्स को अनर्थ किया, और वो भी कौन सी, रोमन एरा की बरियल साइट्स को अनर्थ किया, और फिर उन्होंने एवरेज हाइट को निकाला, एवरेज हाइट निकाला और फिर आज के जो भी वहाँ पे लोग रह रहे उसकी एवरेज हाइट चेक करी, तो सभी की नियरली सेम आई। तो कंक्लूजन क्या निकला कि 2000 सालों में कोई उनकी हाइट बढ़ी नहीं है। वाह, कितना करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो वही मुझे ये महाशय याद आ रहा है कि ला लिख लूँ कहीं UPSC में ना आ जाए कि उनका आधा इंच हाइट बढ़ी है, एक इंच हाइट बढ़ी, यू नेवर नो, शायद ऐसा भी पूछ ले, राइट। तो इस प्रकार का ये घटिया सा न्यूज़ दिया गया है। अब न्यूज़पेपर में था तो फिर हमने भी कवर कर लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एडिटर ऐसे बैठा होगा, टाइम है उनके पास, स्पेस है, तो कुछ भी घटिया सी न्यूज़ उन्होंने डाल दी और हमारा सिलेबस बढ़ाने का ये ट्राई कर रहे हैं। बट UPSC चालाक है, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, तो आपको भी उतना वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम। इवन दो ये वीडियो देख के आपने पिछली 2-3 मिनट वेस्ट कर ली, बट इट्स ओके, चलता है, ज़िंदगी है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग अस, वी विल कीप ब्रिंगिंग सच कॉन्टेंट टू यू। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आर चैनल और स्प्रेड द वर्ड एज मच एज पॉसिबल। हमें भी सपोर्ट मिलेगा और हम ऐसे ही रोज़ बरोज़ आपको ऐसा इंटरेस्टिंग और रसप्रद कॉन्टेंट देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।